नहीं बहू, अपने ससुराल आई तो फिर उससे गर्मी लगने लगी तो सर से पल्लू उतार दिया। तभी कमरे में सास आई। सास ने आ बहू सर पे पल्लू लो। प्रीति फिर का बहू ने सर पे पल्लू लिया। सास ने कहा थोड़ा और लो। बहू ने थोड़ा और लिया उसी। फिर थोड़े दिनों बाद अब ये जब बहू किचन में खाना बना रही होती है तो तभी सास आ जाती है। और ये और सास आके बोलती है बहू दीदी का सर का पल्लू क्या हुआ, सर पे पल्लू लो अपने। बहू फिर किचन में रोटियां बना रही होती है तब फिर सर पे पल्लू लेकर फिर खाना बनाने लगती है। सास वहां से चली जाती है। फिर बहू अपने मोबाइल पे ऑनलाइन कुछ देख रही होती है तो उसे एक ड्रेस बहुत ही पसंद आता है और वो अपने लिए ऑर्डर करती है। सास से छुप कर बहुत ही पसंद लगता है और वो ऑर्डर कर लेती है अपने लिए। जब वो पार्सल उसके घर आता है बहू पार्सल ले लेती है सास से छुप कर और वो लेकर जैसे ही अपने कमरे में जाती है जाकर खोल के देखती है तो उससे देखती है कि सेम ड्रेस वैसा ही आया है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है और बहू उसे सोचती है मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहू ड्रेस को चेंज कर लेती है, ट्राई करके देख ही रही होती है, कह रही होती है। तभी सास आ जाती है और बहू को एक चाटा लगाती है जोर का। फिर उसके बाद सास बोलती है अपने ड्रेस लाओ और मुझे दो। बहू अपनी ड्रेस दे देती है। फिर बहू उसे मोबाइल भी ले लेती है सास। उसके बाद उसके ड्रेस को जला देती है। फिर बहू बहुत ही रोती है उसे क्योंकि बहुत बुरा लगता है और बहुत ही अपने कमरे में बैठ के रोने लगती है वो। फिर थोड़े दिनों बाद जब बहू के एक बेबी होता है तो वो सर पे बिना पल्ली लिए ही अपने बेबी को घुमा रही होती है। तभी सास आ जाती है और सास आके बोलती है सर का पल्लू क्या हुआ, सर पे पल्लू लो। फिर बहू सर पे पल्लू ले लेती है। थी एक खड़ूस सास की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।